इंद्रियानंदस्यज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसीदेवै प्रिया अयि केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्रिला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदय सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्रिला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदय सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिलोक नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज दो दो वैष्णव का तिथि है, एक श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की शुभ तिरुभाव तिथि और रामचंद्र रविदास का आविर्भाव गोपाल भट्ट का आविर्भाव रामचंद्र रविदास है। आज कोशिश करेंगे उनकी कुछ कथा सुनने के लिए। कते कते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवदया करी सपार्षद शिव नाम सावतारी। जब भगवान किसी जगत में आते हैं तो अकेले नहीं आते, वो अपना धाम और परिकरों को लेकर के इस जगत में आते हैं। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में आए वो भी अपना परिकरों को लेकर के ही जगत में आए। अभी प्रश्न है, फिर ये गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्ण लीला में कौन है? इसलिए गौरव ग्रंथ से दीपिका ग्रंथ में बताए, बल अनंग मंजल जासी सद्य गोपाल भट्ट का भट्ट गोस्वामी न के ची आओ श्री गुण मंजरी। जब ये कृष्ण लीला में उनको दो दो मंजरी रूप में आख्याय करी है। पहला है वो अनंग मंजरी, कहते अनंग मंजरी कौन है? कहते राधा रानी की छोटी बहन ये अनंग मंजरी है। कहते ये राधा रानी की उन्होंने कृष्ण की बड़ी सेवा की, राधा रानी की बड़ी सेवा की थी। एक दिन राधा रानी खुश होकर के मुझे बता तुम क्या चाहते, तुम बहुत सेवा करती, बहुत सुंदर थी। राधा रानी जब इतने सुंदर बहन तो सुंदर हुई, क्या बोले बताओ तुम क्या चाहती हो? बोले मैं ये चाहती हूँ जैसे आप कृष्ण को बाम पास समय कभी कभी आप खड़ी रहती हो, मेरे कभी कभी स्थान दे दिया। तो राधा रानी बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कलयुग में श्री गोपीनाथ जी की बाम साइड में तुम खड़ी हो जाना और डाहन साइड में मैं भी खड़ी हो जाऊँ। इसलिए आप कहीं भी गोपीनाथ जी का मंदिर आप दर्शन करोगे, आप बाम पार्श्व में राधा रानी का नहीं दर्शन करोगे, बाम पार्श्व में श्री अनंग मंदिर को दर्शन करेंगे। हम जो है ना कभी कभी दामाद क्या करता है, कहता अपना पत्नी से भी कभी तुम साली को ज्यादा प्रेम करते,
ये छोटी बहनी है ना राधारानी, तो बड़ी रूपवती बड़ी गुणवती है, इसलिए ये गुण कौन है, ये अनंग मंजरी जासी जस गोपाल भट्ट, वो जो अनंग मंजरी राधारानी की छोटी बहन, अभी वो गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप में आए। लेकिन और कहीं कहीं बताया गया है गोपाल भट्ट आहो श्री गुण मंजरी, कहीं कहीं बताया गया कि भी गुण मंजरी भी है। इसलिए महाप्रभु का लीला में एक विशेष चीज है, जैसे कृष्ण लीला में ललिता ललिता ही, विशाखा विशाखा ही, चंपकलता चंपक मंजरी है, चंपकलता चंपक मंजरी है। लेकिन महाप्रभु जैसे परिपूर्ण है, राधा कृष्ण दोनों मिलकर के महाप्रभु आए, महाप्रभु परिपूर्ण है, फिर उनका जो परिकर लोग आए ना, कभी कभी एक एक साथ में बहुत बहुत उनका भक्त एक रूप में आए, जैसे श्री राय रामानंद, कहते ये कौन है, कहते ये विशाखा सती है, लेकिन इनके अंदर ललिता के भी कुछ प्रकाश है, इनके अंदर में एक अर्जुना सखी, इनके अंदर में अर्जुना सखी भी है, इनके अंदर में अर्जुन भी है, इनके अंदर में है, और राय रामानंद तो उसमें है ही है उनके अंदर। इसलिए उसी तरह श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंदर में ये अनंग मंजिल और गुण मंजिल दोनों एकात्म होकर के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप में जगत में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए कहते हैं इनका जो जन्म है, कहते हैं चंडीग्राम है, वहां पर इनकी निवास था, और स्थान है श्री रंगम क्षेत्र, कावेरी नदी को किनारा में ये जन्म हुई। और इनका जो पिताजी थे वेंकट भट्ट, इनके चाचा त्रिमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, प्रबोधानंद सरस्वती कृष्ण लीला में ये थे तुंग विद्यासखी है। इसलिए एक घर में ही समझो महाप्रभु के तीन तीन चार चार परिकर एक घर में ही जन्म हुए। लेकिन महाप्रभु कहाँ पर जन्म हुए, महाप्रभु के सिर नवद्वीप में गंगा किनारे में जन्म लिए। तब प्रश्न करते हैं भगवान तो स्वयं गंगा किनारे में जन्म लिए, फिर अपना अपना भक्तों को फिर ये दूर दूर देश में क्यों जन्म दे रहा है। कहते हैं जहाँ पर पांडव वर्जित स्थान है, जैसे पांडवों को 12-13 साल तक वनवास हो गया था, लेकिन ये पांडवों ने वनवास कई भक्तों का वनवास होता है। साधारण कहते हैं जब साधारण जब अनर्थ निवृत्त हो जाता है, तब तीन तरह का भक्त, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। तब जो कनिष्ठ भक्त है तब जो कनिष्ठ भक्त है उनका अंदर में कद दो गुण है, कद क्लेशग्नि और सुभदा, ये दो गुण है। क्लेशग्नि मतलब होता है अगर कोई कनिष्ठ भक्त भी होगा ना, उनके अंदर में जगत का कोई भी दुख कष्ट नहीं होगा, और सुभदा मतलब सब जगत में उसके जय जयकार होगा, हाँ शुभ प्रकट होगा। और कहाँ ये पांडव लोग, कहाँ ये प्रेमा पर भक्त है, कृष्ण का इतना प्रिय, कृष्ण जी के घर में गुढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, जहाँ परम ब्रह्म मनुष्य आकार में रहते थे, इनके साथ में हंसी दिलकी, इनके साथ में खाना बैठना, भगवान जिनका दूत बन जाते थे, आदेश पालन करते थे, तो उनका कैसे फिर वनवास हो सकता है, उनको कष्ट कहाँ से। ये कष्ट नहीं, ये ठाकुर की इच्छा है, ये ठाकुर जी की इच्छा है। क्यों ठाकुर को क्या इच्छा है, बोले जब तक ये किसी पृथ्वी पर कहीं स्थान पर नहीं जाएंगे तब तक पृथ्वी का कल्याण होने वाले नहीं, मंगल होने वाले नहीं। फिर जब एक जगह पर कोई एक शुद्ध वैष्णव जन्म ग्रहण करते पदार्पण कहते हैं, कहते ताहार प्रभाव कोटि योजन निस्तारे, कहते उसकी प्रभाव से करोड़ योजन तक निस्तार हो जाता है, करोड़ योजन तक जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए पांडवों ने जहाँ जहाँ पर ये पांडव लोग गए, जहाँ पर उनका चरण गिरा वो स्थान पवित्र हो गया। लेकिन कुछ कुछ स्थान तक तो पांडव लोग तो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर पांडव लोग नहीं गए। जब पांडव लोग नहीं गए फिर वो स्थान का कल्याण कैसे होगा। इसलिए भगवान महाप्रभु ने क्या किया, अपना अपना भक्तों को जन्म दे दिया, बोले जाओ तुम लोग वहां जन्म लो, तुम लोग वहां जन्म लो, ले करके तुम जन्म होने पर क्या होगा, वो स्थान का पवित्रता हो जाएगा। इसलिए उनको इधर उधर महाप्रभु ने उनको जन्म दे दिया।
इसलिए महाप्रभु जब उन्होंने संन्यास ग्रहण की तो उन्होंने गए दक्षिणी गए बैकट वहां पर महाप्रभु गए। जब श्री रंगम क्षेत्र में महाप्रभु गए और वहां पर कावेरी नदी है, कहते ना कावेरी नदी, कहते कावेरी नदी वहां पर महाप्रभु वहां पर स्नान किया। स्नान करके वहां पर जो श्री रंगा जी के मंदिर में महाप्रभु तो बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर थे महाप्रभु। राधा रानी कितने सुंदर, कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण को मात करने वाले राधा रानी, अगर दोनों मिल जाए तो कितने सुंदर नहीं। महाप्रभु जो हाथ उठा करके, और महाप्रभु 26 साल उम्र में संन्यास ग्रहण किया, महाप्रभु जो दोनों हाथ उठा करके नृत्य कीर्तन करते थे, महाप्रभु को देख करके सबके सब पागल हो जाते थे। जिधर महाप्रभु जाए उनके पीछे भी सारा दुनिया महाप्रभु के पीछे हो पड़ते थे। महाप्रभु वहां पर जब कीर्तन नृत्य कीर्तन किया, हे सारा दुनिया देख रहे थे क्या सुंदर सन्यासी, कम उम्र में कितने सुंदर सन्यासी, सारा दुनिया इकट्ठे हो गई कि सन्यासी कहाँ से आए इतने सुंदर। वहां पर महाप्रभु का इच्छा है, अभी महाप्रभु तो भक्तों को अलग अलग जगह पर जन्म दे दिया, लेकिन ये चाहते हैं उनको इकट्ठे करना, अपना भक्तों को इकट्ठा करना चाहते हैं। इसलिए मानव इन्हीं के लिए ही महाप्रभु वहां पर गए हुए थे। जब महाप्रभु वहां नृत्य कीर्तन किया तब वेंकट भट्ट ने देखा सन्यासी, और उनकी परिवार में गोपाल भट्ट जन्म ग्रहण किया, प्रबोधानंद प्रबोधानंद वहां पर जन्म ग्रहण किए। अभी महाप्रभु जब नृत्य कीर्तन देख करके जानते सन्यासी लोग रोसी बनाते नहीं, माधुरी करके अपना जीविका निर्वाह करते हैं, तब वेंकट भट्ट इतना सुंदर सन्यास को देख करके बोले प्रभु आप कृपा करके हमारे घर में आप भोजन करो, अगर रहना चाहते हो अलग स्थान है आप वहां पर रह सकते हो। अब महाप्रभु तो गए थे इसलिए हैं, गए थे उसके लिए, इसलिए उन्होंने महाप्रभु का निमंत्रण का स्वीकार किया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी का उस समय उम्र था 11 साल उम्र, छोटा बच्चा था। कृष्ण लीला में कौन है, गुण मंजरी आनंद मंजरी, उधर राधा रानी छोटी बहन स्वाभाविक रूप में तो कृष्ण सेवा में इनका रुचि है, तो उन्होंने महाप्रभु के सेवा में लग गए। महाप्रभु जब शयन करते थे छोटा बच्चा, लेकिन जाकर के महाप्रभु की चरण की ये सेवा करते थे महाप्रभु की। और महाप्रभु जो प्रसाद पाने के बाद उनका अधरा मृत पाते थे, हरी कथा सुनते थे। इसलिए महाप्रभु पहले पहले साधु लोग क्या करते थे, जैसे चातुर्मास जाए ना वो इधर उधर नहीं जाते थे, क्योंकि चातुर्मास में 4 महीना तक बरसात होती थी, तो इधर उधर नहीं जाकर कोई एक स्थान पर रह करके अपना नित्य नियम को पालन करते हुए आप जितने साधन ग्रहण करते थे थोड़ा और विशेष करके साधन करते थे। जैसे हम लोग कार्तिक महीना आता है हम ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, तरह तरह का चीज नहीं खाते। चातुर्मास महीना भी परवल है, घिया है, बैगन है, ये सब चीज हम लोग ग्रहण नहीं करते, सीम बीम बटबट तरह तरह का चीज है, क्योंकि जितना बढ़िया बढ़िया खाओगे उतना आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तर समय उधर बिता जाएगा। इसलिए साधारण रूप में आहार करते हुए ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए साधारण रूप में जैसे जीव का निर्वाह हो, इसलिए ऐसे ही हम लोग करते थे करते। महाप्रभु वहीं पर रहे और वहीं पर वहां पर आप लोग देखे हो जगह जहाँ पर महाप्रभु रुके, कौन देखा, कोई नहीं देखा। इसलिए हम लोग बेंगलोर गए थे, बेंगलोर से हम लोग उधर गए थे जहाँ पर महाप्रभु रुके हुए थे, और वहीं पर हम लोग उसको स्थान को दर्शन किया। महाप्रभु 4 महीना तक जहाँ पर रुके थे, और वेंकट भट्ट का जो घर था है, अभी है, और एकदम पास में भगवान श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, क्या विशाल मंदिर, और क्या गेट, मतलब जो गेट देखोगे ना एक नहीं 3-4 गेट चार तरफ में विशाल गेट, ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए लंबा लाइन लगता है, हैं? इसलिए एक तो जो फ्री में एक ही लाइन लगती है, लेकिन आपको 5-6 घंटा खड़ा होना पड़ेगा, एक में 50 रुपया की है,
एक में 100 रुपया की, एक में 250 रुपया की है, हाँ उसमें लाइन लगता है, तो लाइन में भी है, तो लाइन में खड़े होगी कभी बहुत समय लगता है, लेकिन था ज्यादा बेचारे से जल्दी जल्दी इसमें जल्दी जल्दी दर्शन हो जाता है, ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। इसलिए वहाँ पर, लेकिन जो रात को थोड़ी जो लास्ट के रात में जाओ, जो फ्री में जो दर्शन होता है रात को जाओ, तो ऊपर से एक आधा घंटा में लाइन में खड़े हो जाओ, दर्शन हो जाता है। और ठाकुर जी के मंदिर में कोई लाइट नहीं जलती है, वहाँ पर दिया जलती है, वहाँ पर दिया जलती रहती है, दिया तो द्वारा ठाकुर जी के असली जो मंदिर के अंदर में ठाकुर जी को दर्शन कराते हैं। इसलिए वहाँ पर महाप्रभु वहीं पर रुके, महाप्रभु वहीं पर रुक करके और 4 मास वहाँ पर रह करके, कहते ये गोपाल भट्ट गोस्वामी उन्होंने स्वप्न में भी महाप्रभु का दर्शन किया। जब स्वप्न में महाप्रभु को दर्शन किया था सन्यासी वेश से, महाप्रभु आने से पहले महाप्रभु सन्यासी वेश मूर मुड़ाए, महाप्रभु का चोटी रहे सन्यासी वेश, इसको देख कर गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत रोए, बहुत दुखी हुए। इसलिए यहाँ के इत करी गोपाले रे करी प्रभु को ले, गोपाले रे आसक्ति अंग शक्ति कैल नेत्र जले, कैल ये सब कथा राखी वा गोपने, कैल परमानंद गोपाल रे मने। गोपाल भट्ट गोस्वामी खूब रोए, खूब रोए, महाप्रभु के सन्यास वेश देख कर बोले रोए की कारण है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी गुण मंजरी है, लेकिन महाप्रभु कौन है, ये कृष्ण स्वयं समस्त विषय का मालिक भगवान है, हैं? लेकिन भगवान सड़ा ऐश्वर्य संपन्न, जिनके हजार हजार हैं गोपियां राधा रानी लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करते हैं, लेकिन महाप्रभु का वेश कैसे, मूर मुड़ाए हुए चोटी रखे हुए, साधारण महाप्रभु जब भोजन करने जाते हैं कहते भक्तों को पिठा पाना खिला, भक्तों को बढ़िया बढ़िया अच्छा, और मेरे को तो चावल और जो गड्ढे का सब्जी है, बस मेरे को गड्ढे का सब्जी और भक्तों को बढ़िया बढ़िया किया, क्यों महापुरुष संन्यास ग्रहण किए, संन्यास ग्रहण करने पर पूरी में देखे होंगे कितना छोटा सा महापुरुष घर में रहते थे, एकदम बैराग पूर्वक साधारण एक धोती एक उत्तरी और कुछ है नहीं, कारण क्या है बोले साधु पावा बड़ा कष्ट जीवे जानिया, साधु गुरु रूप कृष्ण आयला ने दिया, महापुरुष संन्यास वेश क्यों ग्रहण किया बोले कारण है बोले साधु पावा कष्ट बड़ा जीवर जाने, उनने देखा कली युग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए कृष्ण स्वयं साधु का रूप धारण करते हुए साधुओं का जीवन चर्या कैसे होनी चाहिए, इसलिए महाप्रभु अपना जीवन चरित्र में स्वयं आचरण करते हुए अपना आदर्श रूप में उनने सिखा दिया है। उनका संन्यास वेश को देख करके कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक, कितने लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करके आज महाप्रभु मुड़ मुड़ा करके चोटी रख करके महाप्रभु कितने वैराग्य पूर्वक महाप्रभु रह रहे हैं, और ये कौन है कभी ये अनंग मंदिर राधा रानी की छोटी बहनी है, हैं ये तो राधा रानी के अनुगत्य में सेवा करती है, कृष्ण को छापान भोग छत्र व्यंजन खिलाना, कृष्ण को सुंदर सुंदर श्रृंगार करना, इसलिए इन्होंने महाप्रभु का संन्यास लीला देख खूब रोए खूब रोए, कहाँ भगवान होकर के कहाँ संन्यास लेकर कितने पैदा के पूर्वक रहते हैं, इसलिए हमारे गौड़ी मठ में देखोगे महाप्रभु का जो रूप है वो संन्यास वेश में नहीं है, संन्यास वेश में क्यों नहीं रखा हुआ कहीं नहीं रखते, क्यों बल क्यों बल ये कपड़े संन्यासी थोड़ी है, संन्यासी है ये थोड़ी, ये तो सख्या विष्णु भगवान कृष्ण ही है, इसलिए देखो महाप्रभु को देखो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पूरा महाप्रभु मुकुट मुकुट पहने कर श्रद्धा से कर, जैसे दुल्हा आता है ना जैसे दुल्हा जैसे महाप्रभु को सजा करके रखते हैं, तब महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया और उन्होंने बहुत रोए, महाप्रभु गोद में बैठा कर उनको समझाए, क्या कहते हैं इतो कहीं गोपाल रे प्रभु करी खोले, महाप्रभु गोपाल स्वामी गोद में लेकर के कहते गोपाल रे अंग अंग कैल नेत्र जले, अपना अश्रु को तरह महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना अश्रुओं को तरह उनके शरीर को पूरा पूरा भीगा दिया, पर देखो मैंने तुमको दर्शन करा ये सन्यास वेश, इसको बोलना नहीं मैंने स्वप्न में तुमको ये सन्यास वेश दर्शन कराया, इसलिए महाप्रभु जो वहां पर
रहा करते थे, लेकिन पहले जो वेंकट भट्ट है इनका जो उपास्य लक्ष्मी नारायण है, जो लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं ना, वो सोचते हैं जो परतत्व तो लक्ष्मी नारायण ही सर्वश्रेष्ठ, इनसे कोई श्रेष्ठ तत्व तो है नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि नारायण अनादिकाल से जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया तो ब्रह्मा जी सृष्टि कराए, वो तो अनादिकाल से जिसका अंत नहीं, लेकिन कृष्ण कब आए द्वापर युग में, राम कब आए तृतीय युग में, ये तो जन्म हुए है, राम कृष्ण जन्म हुए है, और ये तो अजन्म नारायण ये अजन्मा है, इनका जन्म नहीं, इसलिए इनके अंदर में ये भावना है, ये भावना उनकी, जैसे आप कहते ना कि चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि जातुलोकम मृणयती जीव जीव, इसलिए सुत गोस्वामी ने जैसे समस्त अवतार को वर्णना करते हुए जब उन्होंने कृष्ण को उन्होंने नाम ले ले दिया, फिर बोला तो हम अपराध कर दिया, कृष्ण को भी बोल दिया ये भी कौन है, ये अवतार है, हैं ये अवतार, फिर उन्होंने कृष्ण के लिए अलग श्लोक बनाए, मतलब अभी तक मैंने जिन जिनियों का नाम लिया है कोई कोई भगवान के अंश की अंश है, हैं कोई अंश कोई कला है, लेकिन जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान ये कृष्ण है, हैं, लेकिन हम तो इसको इस रूप में व्याख्या करते हैं, लेकिन नारायण का जो भक्त है बोले नहीं, कहते इतने चास कला पुरुष हैं, कहते ये जो पुरुषावतार नारायण का ये अंश कला ये नारायण का ही है, उसी श्लोक को उल्टा व्याख्या करते हैं, हैं, इसलिए ये अंश हाँ इसलिए, लेकिन जो जो इतने चास कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ पर जो स्वयं भगवान को मानते हैं वो कृष्ण को नहीं मानते, वो नारायण को कहते, नारायण को अनादि काल से नारायण, नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, कृष्ण तो द्वापर युग में हुए, है जन्म होकर वही घर घर में मक्खन चोरी किया गोया चराया, भगवान कैसे हो जाएगा ये, भगवान कैसे हो जाएंगे, लेकिन सर्व कारण का कारण कौन है, भगवान नारायण, इनके अंदर में ये भावना है, लेकिन महाप्रभु महापरिजन थे, महाप्रभु उनके घर में रहते समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने जान बुझ करके ना महाप्रभु ने एक बात को छेड़ दिया, बोले वेंकट भट्ट मैंने क्या सुना है, हैं मैंने सुना है तुम्हारी जो लक्ष्मी है ये हमारे कृष्ण को पाने के लिए ये बेल वन ये लक्ष्मी तपस्या करती है हमारे कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण था हमारे ग्वाला, ये तो गैया को पीछे पीछे टोलते हैं वृंदावन में, और नारायण तो कहाँ लक्ष्मीपति वैकुंठ में है, हैं वैकुंठ में है, और ये तो हमारे ग्वाला कृष्ण, और इनको पाने के लिए फिर ये लक्ष्मी फिर ये तपस्या क्यों कर रही है बेलवन में, तो वेंकट भट्ट ने बोला भैया आपको कहाँ से मिला ये बात, बोले भागवत में मिला है, बोले भागवत मैंने भी तो पढ़ा, भागवत में तो ये बात मिली थी, मिली नहीं, इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत से 3-4 श्लोक को उन्होंने उद्धृत किया है, तो देखो ये भागवत में बताया है कि लक्ष्मी स्वयं कृष्ण को पाने के लिए तपस्या करते हैं, बोले कहाँ कहाँ पर, बोले पहला श्लोक है फिर ये नाग पत्नियों ने कृष्ण को स्तुति करते हैं, बोले कस्या न भावस्य न देव विद्मये, उसके बाद में तवाग्रेणु स्पर्शाधिकार जत बांछया श्री ललना आचरित तप विहाय का मान सुचिर धृतव्रता, बोले ये नाग पत्नी जब जब कृष्ण काली के सिर के ऊपर नृत्य की और ठोकर मारते मारते जब मुंह से खून बोलने लग गया तो देख रहे थे मरने वाला थी और जिंदा नहीं रहेगा, है लेकिन अभी वो शरणागत हो गया, ये अभी शरणागत हो गया, अभी तक तो तटस्थ रूप में देख रही थी, वह मर जाए तो अच्छा, एक तो भजन करता नहीं और हमको भी भजन करना नहीं देना, जो भजन करेगा नहीं हमको भक्ति करना नहीं देगा, ऐसे पति का अगर क्या मर जाना सही, लेकिन जब उन्होंने देखा भगवान उसका सारे अभिमान को चकनाचूर कर दिया, पहले जब कृष्ण चरण में शरणागत हो गया, ऐसे पति को रहनी चाहिए क्योंकि जो कृष्ण भक्ति कर भजन करता है ऐसे पति रहनी चाहिए, क्यों स्त्रियों को अबला बताया, और नाग पत्नियां देखने में बहुत सुंदरी थे, देखने में अगर किसी लड़की बहुत सुंदरी हो
अगर पति कम उम्र मर जाए तो क्या होगा, दूसरे व्यक्ति उसके ऊपर कुछ दृष्टि डालना शुरू कर देते हैं, कुछ दृष्टि डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए कोई फिर हमारे ऊपर आकर के फिर अपना आधिपत्य विस्तार नहीं करे। इसलिए अगर पति अगर भक्ति करते हैं, बात गाड़ी दो पहिया में चलती है ना, दो पहिया में चलती है ना, तो बढ़िया चलेगा संसार है। दोनों पति पत्नी भजने के लिए बोले ऐसे पति रहने चाहिए। फिर उन्हें आकर के स्तुति की, तथा हमारे पति ने ऐसे कौन सा सौभाग्य किया है, हैं, जिन चरण को पाने के लिए लक्ष्मी भी विहाय कामान समस्त कामना को छोड़ करके वैकुंठ छोड़ करके तपस्या कर रही है, बैल वन में कठोर तपस्या कर रही है जिस चरण को पाने के लिए। लेकिन जब कृष्ण उसके शरीर पर नृत्य कर रहे थे तो बारम्बार हटाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान उसको सर पर बारंबार वो चरण को दे करके बारंबार दे करके उसका सर के ऊपर नृत्य कर रहे थे। ऐसे कौन सा हमारे पति ने पुण्य किया है, हैं? इसलिए वहां पर उदाहरण दिया है लक्ष्मी चरणों को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही। दूसरे श्लोक उन्होंने उदाहरण दिया है जब उद्धव जी ब्रज में आए और उन्होंने ब्रजवासियों का सौभाग्य को देखा, विशेषकर ब्रज गोपियों की और राधा रानी की जब उन्होंने सौभाग्य को दर्शन किया, वहां पर कहते हैं कहते ये हैं कहते यहाँ पर कहते नायम श्रीअंग दित्यांत रते प्रसाद सौर जसिता नलिन गंधार चाम गतन्य। वहां पर कहते हैं कहते ये कहते जो सौभाग्य को लक्ष्मी भी प्राप्त नहीं कर पाई, जो सौभाग्य को स्वर्ग की जो देविया जिनके शरीर से कमल फूल की खुशबू निकलती है, जो सौभाग्य उन लोग को भी नहीं मिला, वो सौभाग्य किसको मिला, ये ब्रज गोपियों को मिला। कहते भुजदंड गृहीत कंठा, कृष्ण क्या कर रहे थे, अपना हाथ को जैसे कोई छोटा बच्चा हो ना, अगर मैया से कोई चीज जैसे कोई खिलौना हो नहीं तो कोई चॉकलेट व कोई कुछ चीज बिक रहा है, बच्चा क्या करता है जाकर मैया के गल में, जैसे गले में नहीं आते मैया मेरे को दे दे पैसा, मैया मेरे चॉकलेट खाऊंगा मैया, कहता है ना उसी तरह भगवान क्या किया गोपियों को, हाँ कृष्ण की जो इतने सुंदर जो भुज हाथ है गोपियों के गले में गलवैनिया देकर बोले गोपियां तुम लोग ये रास छोड़ करके मत जाओ, नहीं तो रास का रस भंग हो जाएगा, रास का रस भंग हो जाएगा। जब यहाँ पर एक श्लोक दिया, फिर उद्धव का स्तुति में उसमें और एक श्लोक दिया है, हैं, और एक उसमें श्लोक है, उन्होंने तीन श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है। बोले देखो यहाँ पर लक्ष्मी भी जो सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाई, वो सौभाग्य किसको मिला, ये ब्रज गोपियों को मिला है। इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग तब तो बुद्धि में तुम्हें सिद्धांत कर। अगर भागवत पढ़ना तो अकेला नहीं वैष्णव का अनुगत्य में, बोले कौन सा वैष्णव के अनुगत्य में पड़ी, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आश्रय लिए हुए ऐसे भक्तों का अगर अनुगत्य में भागवत पढ़ोगे तो सिद्धांत का जो तरंग है वो तरंग में प्रवेश कर सकते, नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकते हो। जब उन्होंने इसे उन्होंने उदाहरण दिया, फिर महाप्रभु बोले भाई ये बताओ फिर ये लक्ष्मी है, फिर ये लक्ष्मी क्यों कृष्ण को पाने के लिए चाह रहे, कृष्ण तो ग्वाला वो तो गैया चराते हैं, हैं? और तुम्हारे नारायण तो वैकुंठ में रहते हैं ऐश्वर्य जवान है, फिर उनको क्यों प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बोले मैं नहीं बोल सकता। तो महाप्रभु बोले देखो ये नारायण में ना ढाई रस है, ढाई रस है, रस पांच है, है? जो मुख्य पांच रस और सात गौण रस है, लेकिन नारायण के अंदर में तो ढाई रस है, लेकिन कृष्ण के अंदर में परिपूर्ण रूप में जो द्वादश रस है ही है, पर जो मुख्य जो पांच रस है शांत दास सख्य वात्सल मधुर ये केवल कृष्ण के अंदर में ही है, हैं? नारायण का लक्ष्मी तो है लेकिन मन पर वो दासी है, वो पत्नी नहीं वो दासी रूप में, लेकिन हर समय नारायण का चरण को लेकर के क्या कर रही है लक्ष्मी, चरण प्रकट छोड़ती नहीं, कहीं भाग नहीं जाए, ये कहीं भाग नहीं जाए, छोड़ती नहीं है, ये भाग नहीं जाए, हर समय गोद में लेकर बैठी हुई रहती है। इसलिए जो ब्रज में श्रृंगार रस कैसे
वहां पर तो दासी रूप में, लेकिन ब्रज में दासी रूप में नहीं, अपना प्रिया रूप में है, है? अब देखना घर में पति पत्नी, अब देखना अगर पति एक बात बोलता है पत्नी तो भी कभी सुना दे, आप भी तो ऐसे कर रहे थे, आप भी तो ये गलती किया है, ऐसे आपने क्यों किया? तो क्योंकि पत्नी डांट लगा रही थी ना घर में, प्राइम मिनिस्टर कौन है पत्नी है, इनकी बात चलती है। लेकिन जैसे राधा रानी अगर कृष्ण कुछ बोले दो बात कृष्ण को सुना देती है, अगर राधा रानी मान कर ले तो कृष्ण स्वयं जिनके चरण में गिर जाते हैं, राधा रानी क्यों इतने मान की मान छोड़ दे, घर में तो कुछ होता कि नहीं है? पत्नी अगर बोल तो पति उसको मनाता है, क्यों? वहां पर इतने प्रिय है, वहां पर गौरव बुद्धि नहीं, अत्यंत प्रिय बुद्धि है, लेकिन वैकुंठ में ये नहीं, राम में भी ये नहीं। अब सुने कभी लक्ष्मी मान की सीता कभी मान की सुने नहीं, बल्कि रामचंद्र घर से निकाल दिया सीता। अगर कृष्णा अगर कभी गोपियां गोपियों कृष्णा बोले ना निकल जाओ, गोपियां बोले हम निकले ना तू निकल जाए यहां से, तुम क्योंकि वहां प्रेम है, है? और जो बात्सल्य रस में, बात्सल्य रस में नारायण कोई माँ है ही नहीं, बात्सल्य रस है माँ तो है नहीं, लेकिन अयोध्या में बात्सल्य रस है, लेकिन होने पर भी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, क्योंकि वो जन्म होने से पहले शत्रुभुज रूप में दर्शन दिया है, इसलिए कौशल्या को पता है ये कौन भगवान है, ये भगवान है। इसलिए कभी कान बोलते हुए सुने कर राम का, कभी उखल में बांधे, कभी चोर छोटे कभी बोले नहीं, कि वहां पर गौरव बुद्धि है, लेकिन ब्रज में माधुर्य बुद्धि, होने का नाते मैया डांटती है, डपटती है, शासन करती है, कान पकड़ के उठा देती है, बैठा देती है, एक जगह चुप करके बैठा देती, चुप यही बैठो या चलना नहीं, क्यों जानती है मेरे बेटा, ये मेरे बेटा जैसे माँ करती है ना इसी जगत में, बेटे को शासन करती कि नहीं, डांट डपटती कि नहीं, क्यों? बेटा बात चल रहा है, सख्य रस नारायण का कोई सखा है, नारायण का कोई दोस्त यार दोस्त है वहां पर, तो सबके सब वैकुंठ नारायण शांत आलारम भुजग शयनम पद्मनाभम पद्मनाभम सुरेशम, वहां पर सबके सब भगवान रूप में स्तुति करते हैं। अयोध्या में ये चीज अच्छी तरह समझ लो, अयोध्या में क्या है, अयोध्या में सखा तो है रामचंद्र का, सुग्रीव है, विभीषण है, उनका सब सखा गुह का सखा तो है, लेकिन भगवान जब जिस आसन पर बैठते हैं ना तो दूर में बैठे हैं, बराबर आसन देते हैं लेकिन दूर पर। लेकिन ब्रज में देखो अगर कृष्ण कहीं बैठा हुआ ना सिद्धा मधु एकदम बगल में बैठ जाए सारे, तो अकेले हट है तो हट कर बैठे एक जगह पर बैठ गए। अरे गिरिराज तेने तुमने कब उठाया, गिरिराज हमने डंडा लगाया था ना तुम तो टिका टिक पाए, तेरे अंदर इतना हिम्मत ना, गिरिराज उठा था ना श्रद्धा में कहता है तू किस चीज के बड़े हो, तेरे को मैं पछाड़ देता हूँ, बता तेरे पिताजी कितने गई, अपने 9 लाख बड़े 11 लाख जो बड़े को तो ना मैंने, क्योंकि शुद्ध जो सख्य रहस्य है ना सब चीज ब्रज में ही है, लेकिन ये सब चीज जो साधारण लोग नहीं जानते, कृष्ण क्यों भगवान है, क्यों पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सनातन क्यों है, कारण यही है वो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, लेकिन भक्तों का प्रेम में कृष्ण जितने वशीभूत हुए ना और कोई भी इतने प्रेम में वशीभूत नहीं हुए, इसलिए उनको पूर्ण बताया गया, कारण यही है पूर्ण है। वहां पर महाप्रभु ने ये सब बात उन्होंने बताया है, ये सब बात उन्होंने बताया कृष्ण कैसे पूर्ण है, और विशेष करके कृष्ण के अंदर में विशेष करके 4 गुण हैं जो और किसी अवतार में भी नहीं है। क्या क्या गुण है, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, पहला अवतार जो 4 विशेष गुण हैं जो और किसी अवतार में भी नहीं, पहला गुण है सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, भगवान कृष्ण ने जितने सुंदर सुंदर उन्होंने लीला जितने सुंदर इसने लीला किसने की नहीं, और सर्वश्रेष्ठ लीला रास लीला है, बताओ रास और कुछ ने रचा है, कृष्ण ही रास रचया, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो रास रचा है, कोई भगवान कुछ ने बांधा है भक्तों को चरण हाथ खाते हुए कोई गिरे नहीं, ये कृष्ण है, है? दूसरा जो लीला है लीला मात सर्वाद्भुत लीला अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडल, दूसरा जो उनका माधुर्य है प्रेम माधुर्य है,
प्रेम माधुरी जी में उन्होंने दो उदाहरण दिया। पहला उदाहरण दिया जैसे कृष्ण गोपियों के साथ में ब्रह्मा का एक रात तक उन्होंने रास रचाया, एक रात तक उन्होंने रास रचाया, लेकिन गोपियों को ऐसे लगा ब्रह्मा के मतलब 1000 चतुर्युग सोच भी नहीं सकते, इतना दिन रास किए, लेकिन गोपियों को लगा अभी आए अभी खत्म हो गया। लेकिन आनंद में ना समय कैसे बीत जाता है आनंद में पता नहीं चलता, लेकिन दुख में एक एक पल बीतना कठिन होता है दुख, लेकिन आनंद जब आए ना पता नहीं कब समय खत्म हो गया है, कब पता खत्म पता है पता नहीं चलता है, ये रास है ना उनको पता ही, इसलिए कहते। और दूसरा कृष्ण जब गोचारण करते हुए ब्रज में आते हैं, कृष्ण सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसुरी ध्वनि बजाते हैं, सुन करके जितनी ब्रज गोपियाँ कृष्ण को दर्शन करने के लिए घूंघट उठाकर दर्शन करती हैं, इसलिए कहते कुटिलकुं तलम श्री मुखम चते जड़ उच्चता पक्षमती दृशा, उस समय जब उनकी पलक झपती हैं पता नहीं चलता जब पलक झपती है पता, लेकिन उतना समय को त्रुटि जुगा लेते तो आप मुखता मानो करोड़ युग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर। गोपियाँ ये ब्रह्मा जी को निंदा करते हैं, कृष्ण इतने सुंदर देखने के लिए, लेकिन उनको दर्शन करने के लिए दो ही आ पर उसमें पलक हर्षण झपती रहती है, कहते तो रस्सी की तो वही पलक काट कर फेंक दो पूरा कृष्ण पूरा आप खोल करके पूरा कृष्ण को पूरा की पूरा दर्शन करते रहे है, इसलिए हाँ इसलिए कहते कृष्ण की सुंदर जो घुंघराली केस है जैसे कमल फूल कृष्ण का मुकाबले में, घुंघराली केस जैसे भवरा बढ़ रहा है, तो गैया का खूर से जो घोल हो रहा है ना मानो जैसे हम मुंह में पाउडर लगा था ना क्रीम लगाते तो क्रीम जैसे दिख रहा था हाँ, मतलब कृष्ण का अंदर ऐसे कृष्ण को जो लीला दर्शन में है, कहते पता नहीं कितना युग बीती तो पता ही नहीं चलता पता ही नहीं चलता। प्रेम माधुर्य कृष्ण माधुर्य त्रिजगत मानस अगर से मुरली कलकुर जीतम, तीसरा माधुर्य वेणु माधुर्य है अरुंधन भुभृत चमत्कृत परम, भगवान की बंसी ध्वनि सुनकर के विश्व ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाती है, ब्रह्म का सिर जगबोरा लग जाती है, चतुर्जन का दिमाग चक्र चकरा जाते हैं, आनंद देव जिसको सुनकर के उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है, हैं जिनकी बंसी ध्वनि सुनकर के जमुना उल्टी बहने लग जाती है, वृक्ष से मधु झरना शुरू हो जाती है, जो तोते मुनि बन जाते हैं, गैया दूध बिना बछड़े दूध बिना गैया घास खाना भूल जाते हैं, आकाश में मेघ छा करके रिमझिम रिमझिम फुहारा जैसे बारिश करते हैं कृष्ण को छत्री रूप में, इसलिए त्रिजगत मानस अकल से मुरली कल खुद जी को जैसे वंश ध्वनि को सुन करके विश्व ब्रह्मांड में सभी का मन को जो आकर्षण करते हैं हाँ, इसलिए एक श्लोक में बताया उस श्लोक याद कर लेना, उस श्लोक है विश्व ब्रह्मांड में जितने म्यूजिक है अलग अलग म्यूजिक है ना सबका वाद्य में मधुरता है, पर सारे म्यूजिक की माधुरता को इकट्ठे कर लो, लेकिन कृष्ण के बंसी ध्वनि कहते हैं वो जितने सुंदर कृष्ण का बंसी ध्वनि कहते बंसी ध्वनि को बंसी ध्वनि में विश्व ब्रह्मांड का जितने म्यूजिक का जो माधुर्य था अगर एक एकत्रित कर दो तो उसका एक कण को साथ में भी बराबर नहीं कर सकते हो, ऐसे कृष्ण की माधुर्यता है, हैं? और जो चौथा जो माधुर्य है कौन सा माधुर्य है कहते उनकी लीला माधुर्य रूप माधुर्य है, हैं? इसलिए उनका जो रूप माधुर्य कृष्ण इतने सुंदर इतने कृष्ण सुंदर है, इसलिए लक्ष्मी भी इतने रूप को देख कर के इतने मुग्ध हो गई तो वैकुंठ छोड़ दिया कृष्ण रूप देख कर तपस्या कर रही, इनकी बात छोड़ दो स्वयं नारायण भी क्या कर रहे हैं कहते बच्चों को चोरी उन्होंने किया था कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कहते कृष्ण ने माधुर्य देखी वासुदेव को वही कृष्ण है, लेकिन जब वृंदावन में रहते हैं और जो मथुरस जो कृष्ण जब वृंदावन में कृष्ण का रूप को दर्शन करने के लिए उनको उनका हृदय में भी खो प्रकट हो जाते हैं इतने सुंदर, और वही कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं अपना रूप को जो मणि स्तंभ को फिर दर्शन करते हैं तथा पर कलित पूर्वम चमत्कारी कौन है इतने सुंदर है, तब तब मैं राधा रानी बन जाओ, राधा रानी तो रूप का आस्वादन करती है ना, तब मैं राधा रानी बनकर तब मैं इसको आलिंगन करूँ,
इसलिए उसको आस्वादन करने के लिए कलयुग में कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आए और स्वयं कृष्ण है राधा जी के भाव में, जैसे श्री राधा रानी हा कृष्ण बोल करके दीवानी बनी रहती थी, अछड़ खाती थी, महापुरुष स्वयं महापुरुष रूप में आकर के कृष्ण वो रूप का आस्वादन किया है। जब उन्होंने महाप्रभु ने सब बात बताए ना, विशेष करके कृष्ण के अंदर में क्या है, ये चार माधुर्य वेंकट भट्ट तो भैया आपको जितने सुना है, हम लोग सुना नहीं सब बात, एकदम मुग्ध हो गए। महाप्रभु तेरे प्रश्न किया भाई, फिर महाप्रभु प्रश्न करते हैं आप बताओ, कहते ये श्रुतियां तो कृष्ण को प्राप्त कर लिया, लेकिन लक्ष्मी भी अभी तक बैठ करके तपस्या कर रही, अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, श्रुतियां तो प्राप्त कर ली रही, इन्होंने प्राप्त नहीं क्यों नहीं कर पाए। बोले कारण ये श्रुतियों ने अपना अभिमान को छोड़ करके गोपी घर में जब लक्ष्मी तपस्या की, कृष्ण प्रकट हुए, प्रकट होकर के बोले तुम क्या चाहती हो बोलो। बोले गोपियां जैसे रास में आपको साथ में नृत्य विलास करती है, हम भी आपकी रास में वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं। बोले कुछ त्याग करना पड़ेगा। बोले क्या है? बोले पहला तो ये लक्ष्मी अभिमान त्याग दो, ऐश्वर्य का अभिमान, दूसरी किसी गोप घर में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करो, गोपी घर में जन्म ग्रहण करो। बोले ठीक है। बोले तीसरा है जैसे गोपियां कंडा बनती हैं, कंडा बन सकती हो, कहा लक्ष्मी वैकुंठ में आ जा, दास दासियां यहाँ सेवा करती। बोले कंडा तब तबा करती हो कर लो, तो जैसे दधि मंथन करती हैं कदर दधि मंथन कर लो, हाँ कर लो। बोले घर में झाड़ू लगा लो, हाँ वो भी कर लो। बोले और एक काम कर सकते हो, बोले बोलो। बोले मेरे को पाने के लिए ना गोपियां जैसे छुप छुप कर प्रेम करती हैं, और गोपियां उनका जो पति अलग है, शादी तो किसी दूसरे से करते हैं, लेकिन मेरे को पर पुरुष रूप में परिक्रिया रूप में मेरे को प्रेम कर छुप कर सकते हो। बोले शादी तो आपसे कर सकती हूँ हैं, लेकिन और कैसे दूसरे को कैसे शादी कर सकती हूँ, दूसरे गोपी शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो कृष्ण और जो नारायण है कहते सिद्धांत तत्व भेद श्री कृष्ण स्वरूप रसन उत्कृष्ट कृष्ण रूप में साम रस स्थिति कर सिद्धांत तत्व भेद में क्या है, जो कृष्ण और जो नारायण एक ही है, एक जो रस की विचार करते हैं ना, रस के विचार में कृष्ण की सर्वसत्ता, दोनों में अलग कोई नहीं है, एक ही है। कहते ये तो माधुर्य लीला में कृष्ण, ऐश्वर्य लीला में नारायण है, तो एक ही तत्व है, लेकिन शादी तो आपसे कर सकती हूँ लेकिन दूसरे से कैसे कर सकती हूँ, वो चीज को उन्होंने स्वीकार नहीं कर पाए। कहते अभी भी बैठ करके लक्ष्मी तपस्या कर रही, बेलवन में बैठ कर तपस्या कर रही है, बेलवन में बैठ करके। कहते इसीलिए कहते श्रुतियों को तो प्राप्त हो गया, उन लोगों ने गोपियों की अनुगत्य की है, लेकिन लक्ष्मी को अभी तक प्राप्त। महापुरुष जो चार महीना वहां पर रहे ना, चार महीना तक उन्होंने आस रोज रोज कृष्ण कथा रूपी नदी की नदी नदी वत की, उसमें स्नान करते 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 गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट त्रिमल भट्ट स्नान करते 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 एकदम उसमें सराबर हो गए, सबके सब महाप्रभु धारा में भक्ति धारा में, पहले लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे, ये सबके सब श्री राधा कृष्ण भक्ति में आ गया। प्रबोधानंद सरस्वती जो तुंग विद्या कृष्ण इलामी है, वो तो उन्होंने क्या ग्रंथ लिखे जिसका नाम राधा रस सुधारिति, अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखे, अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखे राधा रानी के ऊपर में, क्या ग्रंथ है, अनुपम ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को लेकर बड़ा लड़ाई है। एक राधा वल्लभ संप्रदाय है, वो लोग कहते हैं ग्रंथ हम लोग हमारी ग्रंथ है, लेकिन ये ग्रंथ श्री प्रबोधानंद सरस्वती इनका ग्रंथ है, हैं? लेकिन वो ग्रंथ की इतने महिमा, वो ग्रंथ की इतने महिमा लिखे। फिर जब गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु जब चार महीना रहे सेवा की, महाप्रभु चार महीना के बाद में जब वहां से वापस आना चाह रहे थे, इतने में गोपाल भट्ट बोले प्रभु मेरे को साथ में ले जाओ, 11 साल उम्र। महाप्रभु बोले नहीं, अभी तुम 11 साल का बच्चा हो, अभी पिता माता की सेवा करो, पिता माता तुम्हारी वैष्णव है, जब तक ये चले नहीं जाते तब तक रहो, उसको बाद में फिर चले आ।
उसको बाद में फिर तुम मेरे पास में चले आना। तब तो गुरुदेव इसी विषय पर कहते थे, क्या महाप्रभु ये शिक्षा देते थे जब तक पिता माता शरीर नहीं छोड़े तब तक तुम घर रह रहो, और जब पिता माता शरीर छोड़ दिए मेरे पास में आ जाओ, क्या महाप्रभु यही शिक्षा दिया है? बोले नहीं, ये शिक्षा नहीं दिया। बोले क्या कहे? कहते हैं जो श्री संप्रदाय में जो विधि का जो नियम है ना, विधि विधान का जो नियम है, झूठा हाथ है, कैसे कपड़ा पहननी चाहिए, कैसे पूजा सेवा करनी चाहिए, जो नीति नियम बड़ा स्ट्रिक्ट रूप में पालन करते, फिर वहां के जो पुजारी लोग है ना, कभी शरीर में कभी कभी कोई चीज पहनते नहीं, पूरा खाली शरीर में रहते, तिलक लगाएंगे, स्नान करेंगे, तीन टाइम स्नान करेंगे, और तिलक द्वादश बहुत निष्ठा पर बहुत निष्ठा नियम से करते हैं। इसलिए भक्ति के लिए निष्ठा नियम की जरूरत है, एक निष्ठा नियम की जरूरत है। इसलिए उन्होंने देखा भविष्य में हमारी संप्रदाय में भी ऐसे कोई ग्रंथ होनी चाहिए जो विधि विधान को साथ में ठाकुर कम से पूजा कैसे कर सकते हैं, निष्ठा नियम को साथ में, इसलिए विधि विधान को साथ में वैद्य भक्ति को करते हुए। इसलिए बोले तुम यहाँ पर रहो, ये चीज सब चीज को सीखो, जानते हैं एक दिन ऐसे आएगा। इसलिए इन्होंने हरि उन्होंने सत्क्रिया सार दिन का ग्रंथ इन्होंने लिखा है। हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे तो जनेऊ संस्कार ठाकुर का सेवा पूजा कैसे होता है, संन्यास लेते हैं कैसे, ब्रह्मचर्य कैसे पालन करते हैं, ये ब्रह्मचर्य का बेस कैसे लेते हैं, श्राद्ध कैसे, तर्पण कैसे करते हैं, जितने विधि विधान सत्क्रिया सार दिन का इन्होंने ग्रंथों को लिखा, जिन्होंने बड़े विधि विधान को साथ में कैसे हम ठाकुर का सेवा पूजा कर सकते हैं। फिर जो हरि भक्ति विलास है संकलन उन्होंने किया है, और जो सठ संदर्भ कारिका इन्होंने लिखे है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इसलिए उन्होंने बहुत बहुत कुछ किए। महाप्रभु को पता था एक दिन ये बहुत बहुत कुछ काम करेगा, इसलिए बोले अभी तुम रहो और पिता माता जाने के बाद फिर चले आने। जब पिता माता चले गए फिर उन्होंने आए, आते समय गंडों की नदी होते हुए आए, वहां से बाहर को शालग्राम उनको मिला था, जैसे गले में माला झोली रखते है ना, ऐसे ही अपना गले में लटका करके चलते थे, हृदय में ठाकुर का धर्म करते हुए। जब वृंदावन में आए और सेवा पूजा कर रहे थे, अभी झूला का समय आया, कोई एक सेठ आकर के मंदिर मंदिर में कपड़ा लता देकर गए, संतों को कहाँ मिलेगा, ये तो भजन करने वाले, बोले इसको पहना करके ठाकुर को झूला में झूला। लेकिन उनके पास में तो गोल्ड मुकुट से ठाकुर है, ये तो शालग्राम है, अभी उनकी सोचा अगर मेरे पास में अगर ठाकुर होते मैं भी ठाकुर को झूला में झूला। उनने केवल इतनी भावना रखी, सचमुच से जब सभी दूसरे दिन ही आए ना, देखा जो शालग्राम में बड़े सुंदर श्री राधा रमन ठाकुर बन करके बड़ी सुंदर बंसुरी बजा रहे हैं, बोले श्री राधा रमन लाल की बड़े सुंदर, और उन्होंने सारे गोस्वामी के पास में खबर पहुंचा दिया, हमारे यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए, सारे गोस्वामी लोग वहां पर भागते भागते आए, देखा इतने सुंदर ठाकुर है, इतने सुंदर राधा रमन देखे कि नहीं, जैसे शास्त्र में वर्णन किया ना, हर ठाकुर किसने बनाया, हर ठाकुर किसने बनाया, लेकिन ये ऐसे के ठाकुर है जो ठाकुर को किसने नहीं बनाया, ठाकुर को कोई नहीं बनाया, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए। ठाकुर जी देखना शास्त्र में जैसे वर्णन किया गया, तीन जगह से कृष्ण कैसे टेढ़े हैं, उनको गला कैसे होनी चाहिए, बक्षस्थल कैसे होनी चाहिए, कमर कैसे होनी चाहिए, चरण कैसे होनी चाहिए, दो दांत भी उनकी तो दांत भी निकला हुआ, बड़ा सुंदर ठाकुर जी राधारमन है, राधारमन ठाकुर जी। इसलिए सब गोस्वामी लोग आकर के इनका नाम रख दिया राधा रमन, मतलब राधा जी को साथ में जो रमन करते हैं, ये श्री राधा रमन है, है? क्या नाम राधा रमन दास, इसलिए राधा रमन नाम अंकित कर दिया। भक्त लोग बड़े प्रसन्न हुए, और जब औरंगजेब ने आक्रमण किया, सारे जितने हमारे गोस्वामी का ठाकुर हमारे मान सिंह ने इनको सबको ले गया, कहाँ ले गए, जयपुर ले गए, लेकिन ये नहीं गए, ये नहीं गए, बोले क्यों, कहते कृष्ण जो है ना वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति, कृष्ण कभी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए इन्होंने कभी ये ऐसे के ठाकुर है गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का जो वर्णना की गई, एक स्वरूप में ये तीनों ठाकुर का दर्शन होता है,
इनको दर्शन करने से सब ठाकुर का दर्शन करने का फल मिलता है। और गोविंद गोपीनाथ बद्रमन चले गए, बोले क्यों चले गए, जयपुर गए हो, कौन गए जयपुर? मैं एक बार यहाँ पर ये बना जयपुर घूम कर, बहुत बढ़िया जगह है, इसलिए बड़े सुंदर श्री जयपुर, बड़े सुंदर, बड़े बड़े टूरिस्ट उसको पिंक सिटी कहते हैं, चारों तरफ एक रास्ता, वहाँ पर इतना सुंदर सुंदर स्थान है, जब हम आरती होती है ना गोविंद देव की आरती, सोच नहीं सकते इतने ठंडी में एकदम मंदिर भरा भरा का मिलेगा, इतने मंदिर में पूरा भरा भरा हो। खैर वहाँ पर एक एक झांकी में आप देखोगे हजार हजार लोग एक एक झांकी में वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, बड़े सुंदर। एक मिनट भी कुछ देर लेट हो गए, दर्शन नहीं मिलने का, बंद होता है, प्राइम टाइम पर खुलता है, बंद होता है। इसलिए ठाकुर जी क्यों चले गए, बोले मुसलमान औरंगजेब जो आक्रमण किया, बोले भगवान के ऊपर भी कोई आक्रमण कर सकता है, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, जिनकी इच्छा से ही दुनिया में सृष्टि से प्रलय होता है, कहते उनको कोई मुसलमान डर से भाग जाएंगे, बोले नहीं। कारण है जब ठाकुर का सेवा पूजा ठीक से नहीं बना, फिर भगवान कुछ ना कुछ भावना बना कर चले जाते हैं, लेकिन जब ठाकुर का सेवा पूजा ठीक से हो ठाकुर जी की, फिर तो ठाकुर जी वहाँ पर टिकते हैं। देखा पुजारी लोगों ने ठाकुर जी का नाम को लेकर के तो ये करते हैं, लेकिन ठाकुर का सेवा पूजा ठीक से ठाकुर जी की करते नहीं, इसलिए ठाकुर जी बहाना बना कर चले गए। लेकिन राधा रामन नहीं गए, देखा ये यहाँ के जो सेवक है वो ठाकुर का सही सही ठाकुर का सेवा पूजा कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी यहाँ से नहीं गए ठाकुर जी। इसलिए आज श्री ऐसे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनके भक्ति के प्रभाव से स्वयं राधा रमन जी प्रकट हुए हैं, आज उनकी आविर्भाव तिथि है, इसलिए आज शुभ दिन, बहुत अच्छा दिन ठाकुर जी, आज बहुत अच्छा दिन है। और श्री रामचंद्र कविराज का इनका कथा को आप लोग शाम को सुनना, रामचंद्र कविराज कभी ये शादी होकर के जा रहे थे, ये ना जैसे शादी का समय में जैसे पालकी में बैठ कर जाते हैं ना, ये जा रहे थे शादी होकर के, बीच में श्रीनिवास आचार्य जो बीच में स्थान है, हम खुद कभी जब नवद्वीप परिक्रमा में ना हम लोग जाते हैं कभी कभी वहाँ पर बैठे हुए थे, जैसे पहले तो कंधे पर ले जाते थे दूल्हे को, इनको बैठा कर ले जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, वहाँ पर पेड़ देख करके जाता पर रुक गए, रुक करके वहाँ पर साधु थे, जब श्रीनिवास आचार्य इनको देखा तो बड़े सुंदर है, लेकिन ये उनको शादी शादी करने जा रहा है, शादी नहीं बलि चढ़ने जा रहा है, बोले शादी नहीं ये बलि चढ़ने के लिए जा रहा है। तब वहीं पर बैठ बैठ कर उनको कथा सुनाया, कहते भी है सबको कहे मेरे मन में ये है, चल खटल ढोट ढो करके जेल पर ले जा रहे, बोले शादी नहीं हाथ से हाथ प्यार काम करके जेल में ठोसने के लिए ले जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही नहीं उसको जेल में बंद करने ले जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे शास्त्री की उन्होंने कथा उन्होंने सुनाई, ऐसे शास्त्री की कथा सुनाई, भगवान कितने भाग्य से ये मानव शरीर 84 लाख जन्म के बाद में दिया, भजन करने के लिए दिया, लेकिन ये जीवन को कहाँ तुमने संसार के लिए लगाने के लिए जा रहे हो भैया, ये जीवन ये संसार के लिए नहीं, ये जीवन तो भगवान के भजन के लिए, और ये जीवन को बारम्बार ठाकुर जी नहीं देते हैं, ये तो 84 लाख जन्म के बाद में एक बार चांस मिला तुमको भजन करने के लिए, एक चांस तुमको दिया है, अगर वो चांस को खो दिया तो फिर वो 84 लाख जन्म में जाओ, ये तो हर जीवन है रिजर्व है, कौन सा जीवन में तुम करते करते ये काम नहीं है, हर जीवन में यही काम किया। उन्होंने ऐसे ऐसे उनकी कथा उन्होंने सुनाई ना, ऐसे ऐसे उन्होंने कथा सुनाई, वो शादी करके दूल्हा बन कर जा रहे थे, वहीं से छोड़ दिए, वही बात तुम लोग जाओ, मैं तो बाबा बन में जा रहा, मैं तो बाबा बन, वहीं से उन्होंने साधु बन गए, और साधु बन करके और इतना भजन किया भगवान की, इतने भजन किया, बड़े भजन किया उन्होंने, हैं इसलिए उन्होंने बड़े भजन किया है। एक समय श्रीनिवास आचार्य कहते ये है, कहते ये एक समय कभी कभी इनको रामचंद्र कविराज देखो, अगर मेरे शरीर में इधर उधर कोई चीज देखे है ना, मेरे शरीर को नष्ट नहीं करना है,
और नहीं, उन्होंने बोले थे उनका शिष्यों को अगर इधर उधर देखो तो रामचंद्र कविराज को बुला लेना। एक दिन गुरु जी बैठे थे, एक दिन ही हो गया, दो दिन ही हो गया, गुरु जी एकदम समाज में बैठे हुए, गुरुदेव इतने में इनको पास में गए, बोले गुरु जी पता नहीं दो दिन से समाज में बैठे हुए, पता नहीं क्या हो। तो उन्होंने आए, बोले मैं जा रहा हूँ गुरु जी को ढूंढने के लिए, गुरु जी कहाँ पर है। पास गुरु जी को पास में बैठ गए और चले गए। बोले कहाँ? कहिए राधा कुंड में। राधा रानी जल विहार करते करते उनके नाच की बेसर कहीं हो गए। अभी घर में जाएगी तो सांस लाने के लिए डांट पड़ेगी, ये बेसर कहाँ गई, हीरे की बेसर कहाँ पर गई। वो ढूंढते ढूंढते बस वहां पर ढूंढते समय लग गया, तो वहां का समय यहाँ का समय बहुत फर्क है। लेकिन इन्होंने गए तभी जाकर गुरु जी के साथ में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते इनको ही मिल गया, तो मिल गया कंबल का जो नाग तो नीचे लग गया था, हो गया। तो उन्होंने उनको गुरु जी को दिए है, उन्होंने उनको गुरु जी, उनको गुरु जी के रूप में मजे ललिता, और उन्होंने देखकर राधा रानी के नाक में पहना दी। बोले किसको मिला? लेकिन नई सखी आई। बोले कौन है? उसको ले आओ। और जो लाए राधा रानी आशीर्वाद और उनको चर्बित तांबुल दिया। तो तांबुल दिया नहीं, दोनों शरीर समाधि में बैठे हुए एकदम फटाफट वहां पर खड़े हो गए। खड़े होकर के हरी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कहाँ चले गए? तब उन्होंने सारी घटना सुनाई है, सारी घटना उन्होंने सुनाई। इसलिए इनकी भी अच्छी अच्छी कथा है। अब लोग शाम को वो लोग ग्रंथ पढ़ करके खेल को बोलेंगे, इनकी जीवन चरित्र को बोलेंगे। ठीक है, पांचा कर उत्तर वैष्णव हो।